अच्छे एक्टर्स हैं। पवन जी के साथ तो मैंने पहले भी काम किया है, मैं उनके साथ जीत करा था, उनके साथ मैंने काम किया। वैसे भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन, मतलब उनकी वो पिक्चर आई थी लंगड़े, क्या क्या था, बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी उनकी, तो मैं तब से उनका बहुत बड़ा फैन हूँ पवन जी का। और अभिषेक तो दोस्त है अपना, और बाकी जो भी हैं हरिहरन जी, उनका म्यूजिक हम सब सुनते आए हैं, तो एंड आई विश ऑल ऑफ देम, उनका बेटा लॉन्च हो रहा है सर, आई विश ऑल ऑफ देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। सबका एक तरह से शुरुआत है, अभिषेक अपनी पहली पिक्चर लॉन्च कर रहा है, तो मेरे को यही है कि ऐसे आते रहें लोग, ऐसे काम करते रहें, नए एक्टर्स लॉन्च होते रहें, तो ये हमारे लिए अच्छा, पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा। आपके किरदार को बहुत ही सराहा गया, सियाके राम ने मैंने देखा, हर किसी ने बहुत ही तारीफ की जिस तरह से आपने किया, क्या कहना चाहेंगे आपको? वो यही मैं कहूँगा कि उसका सारा क्रेडिट जाता है जो हमारे डायरेक्टर थे, जो हमारे उसके शो के डायरेक्टर, जिन्होंने पूरा लंका, हमारा पूरा लंका का सारा उन्होंने शूट किया, सारा क्रेडिट उनको जाता है। और जिन्होंने ये पूरी लुक कंसीव की थी, जो मेघनाथ के कैरेक्टर की जो लुक थी, जिसने पूरी इन्होंने पूरी कंसीव की थी वो, और स्टोरी भी अपने में काफ़ी पावरफुल थी, तो मैं, मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट सबको मिलना चाहिए उसके लिए, नॉट जस्ट एन एक्टर। आपके मेकअप को पूरा क्रेडिट जाता है, आपके डायरेक्टर्स को पूरा क्रेडिट जाता है, और आपके स्टोरी को पूरा क्रेडिट जाता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, और लोगों ने बहुत अच्छा लगा लोगों। भाई मैं ये जज्बात लेके तो पहले दिन बॉम्बे आया था, ये जज्बात तो तब से लेके अपने सीने में घूम रहा हूँ कि मतलब भाई बिग बजट या शॉर्ट स्मॉल बजट हो, बॉलीवुड में एंट्री होगी, बट लेट्स सी। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं महाराणा प्रताप भी कर रहा था, उसके अंदर भी यही था कि मतलब गुरु का था कैरेक्टर, इनिशियली जो स्टार्ट किया था उसमें भी एप्स थे और डोले शोले ये वो। उसके बाद मेघनाथ का भी मैंने कहा चलो बॉडी है तो इसको एक्सप्लोर करते हैं, बॉडी है तो चलो देखते हैं फिर कैसी चीज़ है। और मुझे वैसे वर्कआउट का शौक है, यही है फैमिली वर्कआउट एंड माय, आई लव माय वर्क, वर्क एंड माय वर्कआउट, दैट्स इट। अभी ये जानना चाहता था मैं आपसे कि आज के दौर में आपकी नज़रिए से टीवी और बॉलीवुड में क्या दायरा कितना कम हुआ है आपकी नज़र में? टीवी और बॉलीवुड में दायरा क्या है कि बड़े से बड़े एक्टर्स भी टीवी में आते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो और कोई बड़े एक्टर हों, सब टीवी में आते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। और पर फिर भी वॉट एवर सेड एंड डन, जो आपके बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो आपके बॉलीवुड एक्टर्स ही हैं, फिल्म्स आर फिल्म्स, चाहे वो टीवी का स्पॉट बॉय हो, चाहे वो टीवी का एक्टर हो, चाहे वो टीवी का प्रोड्यूसर हो, इवेंचुअली सबको होता है कि यार मैं एक फिल्म में काम करूँ, मैं बड़ी फिल्म में काम करूँ, छोटी फिल्म में काम करूँ, फिल्म इज फिल्म, फिल्म हिस्ट्री बनती है, लोग आते हैं, हम सब इधर आए हैं, टिकट खरीदे हैं पिक्चर देखने के लिए, वो चीज़ टीवी में मिसिंग है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर नेम स्मृति यादव है, जो कि बहुत ही सिंपल एंड सोवर गर्ल है, शी इज़ इन अ लव विद अ बॉय जिसका नाम है हिमांशु, एंड बस अभी इससे ज़्यादा आई नो हिमांशु नाम क्यों है ये तो आपको डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये आपको स्क्रिप्ट राइटर से पूछना पड़ेगा, बट येस एंड आई डोंट वांट टू रिवील मच अबाउट द फिल्म बिकॉज अभी प्रीमियर होने वाला है और सभी लोग फिल्म देखने वाले हैं। कैरेक्टर आज की यूथ से कितना कनेक्ट कर पाएगा? आज के यूथ से मेरा कैरेक्टर थोड़ा कम कनेक्ट करता है बिकॉज आज का यूथ जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत फास्ट लाइफ है उनकी और बहुत फास्ट लाइफ जीते हैं वो लोग, बट स्मृति इज अ पर्सन हु इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल, जो कि आजकल कम लड़कियाँ देखने को मिलती हैं। बिल्कुल इधर आपकी क्या उम्मीद है और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं इसके बाद? फिल्म को लेकर देखिए मैं न्यू कमर हूँ और मैंने इससे पहले अंकुर अरोड़ा मर्डर केस एक फिल्म आई थी जो कि विक्रम भट्ट ने प्रोड्यूस की थी और सोहेल तटारी जी ने डायरेक्ट की थी, वो फिल्म की थी एंड उसमें मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल था। देन सी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, आई जस्ट वॉन्ट पीपल लाइक द फिल्म, पीपल लाइक माई वर्क एंड मैं आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ ग्रोइंग बाई ईच एंड एवरी फिल्म एज एन एक्टर, अच्छा काम करती रहूँ एंड लोग मेरे काम को बींग एन एक्टर अप्रिशिएट करते रहें और मुझे इंडस्ट्री में काम देते रहें। That's it. Thank you so much for talking to us. We show off. Thank you so much. Thank you so much. Role है किस तरह का किरदार? मैं इस फिल्म में ऋषभ प्ले कर रहा हूँ।
ऋषभ आप प्ले कर रहे हो। हाँ जी, मैं इस फिल्म में ऋषभ प्ले कर रहा हूँ। किस चीज से इंस्पायर्ड है? और ऋषभ थोड़ा स्टबर्न बंदा है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ा प्यार करता है, बहुत पॉजिटिव है। ओके, साइड बाय साइड मुझे लगता है कि वो दूसरों की गर्लफ्रेंड से भी उतना ही प्यार करता है, तो थोड़ा सा यार दोस्त टाइप ही है, लेकिन बहुत जल्दी लड़ाई कर लेता है। ऑल एंड ऑल एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है पूरा, जो कि आपको थ्रू आउट द जर्नी में दिखाई देगा स्ट्रॉन्गली बिल्कुल, और बहुत मजा आने वाला आप लोगों को मूवी देख के। द स्टोरी इज रियली गुड। सो फिल्म में आपके कई स्टार्स भी हैं, खास तौर पर बहुत ही रिनोन एक्टर पवन जी भी हैं। हाँ जी, तो इन सब के साथ आपको काम करना कैसा रहा? देखिए, कोलैबोरेशन था, पवन जी हैं, दिव्येंदु सर हैं, तो एक सीनियर एक्टर के साथ काम करना हमेशा ही एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, और ऐसे ही मुझे इस फिल्म में मेरे, हालांकि काफ़ी मेरे सीन्स उनके साथ नहीं है, लेकिन उनको देख के ही मैंने इतना कुछ सीख लिया है जो कि मैंने अभी तक मैं नहीं सीख पाया अपनी फिल्म जर्नी में। और जैसे वो परफॉर्म करते हैं, जिस हिसाब से वो अपना स्पेस यूज़ करते हैं, दैट वॉज लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और वो सेट पे हम लोगों को भी पूछ करते रहते थे कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन दिव्येंदु सर बहुत नेचुरल एक्टर हैं, बहुत ही नेचुरली काम करते हैं, बहुत ईजी, बहुत काम, बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, तो उनसे ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हमेशा एक अच्छे एक्टर और एक सीनियर एक्टर से आपको उनको देख के ही सीखने को मिलता है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे फिल्म को लेकर आपकी क्या उम्मीद है और इसके बाद आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ जी बिल्कुल, देखिए फिल्म को लेकर अभी उम्मीदें तो बहुत हैं, बट बाकी फिल्म तो हमारी ऑडियंस ही चलाती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ही फ्रेश है, बिल्कुल नए कास्ट को लेके है, और ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, तो यंग कास्ट के साथ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर और दैट टू इन गोवा, यू नो इज अ बंच ऑफ फ्रेंड्स लाइक हू गोज टू गोवा फॉर अ पार्टी एंड ऑल, और वहाँ पे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, फिर एक उनमें से मिस हो जाता है, एक की बॉडी मिलती है, तो ऑल एंड ऑल बड़ी ग्रिपिंग है स्टोरी, जिससे कि बहुत सारे लोग बाग रिलेट भी कर पाएंगे कि भाई कैसे हमें, अगर हम आउटिंग पे कहीं पे जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो दिस फिल्म इज कमिंग विद अ मैसेज एज वेल कि अगर आप जा रहे हैं, आप अपने घर वालों का, आपके घर वाले आपको भेज रहे हैं, एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स, एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट ऑल द थिंग्स यू आर हैविंग ओवर देयर। सो ऑल एंड ऑल एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है थ्रू आउट द स्टोरी, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग हमारे मूवी के बहुत आप लोगों को पसंद आएंगे, बहुत यंग हैं, बहुत फ्रेश हैं, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, और सबको अच्छी लगने वाली है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताइएगा, वी नीड योर सपोर्ट इज द मेन थिंग एज वी आर न्यू। सो हम उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म सुपर हिट हो। बिल्कुल, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।